नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल अरोड़ा हूँ। मैं पिछले 10 साल से ऑप्थैल्मोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम लैसिक के बारे में जानेंगे या चश्मे कैसे उतारे जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। लैसिक एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जो कि चश्मा उतारने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं चश्मा उतार लूँ अपना, इसके लिए क्या आप एलिजिबल हैं, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। उन टेस्ट में आपके कॉर्निया की शेप, कॉर्निया एक बाहरी ऑर्गन है, आप अगर इसको देखें तो ये जो मैं हाथ में है ये कॉर्निया है और ये आंख है। आंख का बाहरी ऑर्गन को कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया पारदर्शी होता है। ये जो पारदर्शी ऑर्गन है इसी में से लाइट जाती है आंख के अंदर और पर्दे पे रोशनी आती है। पर्दे से ये रोशनी सिग्नल के थ्रू हमारी नस ब्रेन में ले जाती है, तभी हमें दिखता है। हमें सर्जरी इसी के ऊपर करनी होती है, लैसिक में। हम लैसिक में क्या करेंगे? लैसिक में हम इस कॉर्निया पे फ्लैप बनाएंगे। फ्लैप बनाने के बाद लेजर से कॉर्निया को रीशेप या फिर चश्मे के नंबर को उतार देंगे और फ्लैप को वापस रख देंगे। इस चीज में किस पद्धति द्वारा या किस टेक्निक से हम फ्लैप बना रहे हैं या फिर किस टेक्निक से नंबर उतार रहे हैं ये मैटर करता है। अगर फ्लैप हम ब्लेड से बना रहे हैं तो वो ब्लेड लैसिक हो गया। अगर हम ब्लेडलेस या फेमटोसेकेंड लेजर से बना रहे हैं तो वो फेमटोसेकेंड लेजर हो गया, या जिसको ब्लेड फ्री लेसिक कहते हैं। बहुत ही टाइप के लेसिक हैं जब हम चश्मे का नंबर उतारने की बात करते हैं। कई होते हैं कि नॉर्मल लेसिक। नॉर्मल लेसिक इज कि जो चश्मे का नंबर हमने लिया, फ्लैप बनाया, उसी से ही कॉर्निया को रीशेप कर दिया और नंबर हट गया। नॉर्मल लेसिक के बाद आता है वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज लेसिक या कस्टम लेसिक, जिसके अंदर आंख की बनावट, मतलब लाइट कैसे उसके अंदर एंटर कर रही है, उसको ध्यान रखते हुए एल्गोरिथम बना के लेसिक किया या फिर लेजर को डाला गया। तीसरा जो बहुत कॉमनली या बहुत हो रहा है उसको कहते हैं कंटूर लेसिक, जिसके अंदर अराउंड 50 से 55,000 पॉइंट्स को देखा जाता है और एक कस्टमाइज प्लान पर आई को बना के लेजर किया जाता है। अगर हम रिकवरी टाइम की बात करें, लेसिक में फ्लैप को बंद करते ही ज्यादा दिन नहीं लगते रिकवर होने में। हम कहते हैं कि आप एक दिन रेस्ट करिए, अगले दिन आप अपनी एक्टिविटीज मॉडरेशन में कर सकते हैं। रही बात स्विमिंग, नहाना, इसके लिए अलग अलग टाइप ऑफ लेसिक में अलग अलग प्रिकॉशंस दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेसिक में अगर जाएं तो सबसे कॉमन होता है ड्राई आई। ड्राई आई मतलब आंख का सूखापन, क्योंकि लेसिक में एक कट लगता है इसीलिए आंख में सूखापन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो कि ईजिली कंट्रोलेबल होते हैं by use of medicines या eye drops. दूसरी complication जो बहुत commonly लोग पूछते हैं, क्या मेरा number तो नहीं आ जाएगा? मैं कहता हूँ आप LASIK मत कराइए। आप मुझे बता सकते हैं कि अगले साल आपका क्या number होगा? ये चीज कोई नहीं बता सकता कि क्या number होगा। इसीलिए जो मैंने सबसे पहले बताया था, testing, जो हमारी testing है उसके अंदर हम कॉर्निया को देख रहे हैं, आपके पर्दे को देख रहे हैं, आपकी आंख की बनावट को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या आपका चश्मे का नंबर स्टेबल है कि नहीं। अगर ये सब चीज बिल्कुल ठीक होती है तब हम एक प्रोबेबिलिटी से कह सकते हैं यहाँ आपको आगे जाके नंबर नहीं आएगा। श्योर, 100% श्योरिटी अगर आप मांगना चाहते हैं, आप मत करिए लेसिक। आप अगले साल बता सकते हैं नंबर क्या होगा? वो कोई नहीं बता सकता। आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपकी डिपेंडेंसी चश्मे पे काफी ज्यादा है तो टेस्ट कराइए। अगर आप टेस्टिंग में खरे उतरे तो लैसिक एक काफी सेफ प्रोसीजर है। ये 100% इफेक्टिव है, क्योंकि चश्मा हटाने का इससे अच्छा प्रोसीजर अभी तक नहीं आया है।